नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक सब जानती में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। हरियाणा सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद बवाल समझ गया। बवाल इसलिए क्योंकि फीस बढ़ोतरी की बात थी, छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार ने सोचने की बात कही, लेकिन इसके उलट छात्र संगठनों ने इस मामले को लेकर अब हंगामा करना या यूं कहें कि प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। साफ तौर पर जो छात्र संगठन कहते हैं कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया या हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया वो छात्रों के पक्ष में नहीं है। जो भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं कॉलेज में, अगर वो लगभग दोगुनी फीस देंगे तो उससे उनके आर्थिक तौर पर बोझ बहुत बढ़ने वाला है, उनके परिवार पर भी और उन पर भी। शायद ऐसे भी बच्चे हों, ऐसे भी छात्र हों जो पढ़ना चाहते हों लेकिन इस फीस को देकर शायद वो अपने कदम पीछे हटा ले। इस तरह के तर्क भी दिए जाते हैं, लेकिन एक तर्क ये भी है कि सरकार का दावा है कि बेहतर शिक्षा प्रदान करना लक्ष्य है, महंगाई बढ़ी है, सब कुछ अपने तरीके से बढ़ता ही है, तो उसको लेकर थोड़ा बहुत सोच कर विचार कर एक फैसला लिया जाता है और वो भी छात्रों के हक में। तमाम तरह की सुविधाएं भी दी जाएंगी, अगर फीस बढ़ी है तो दूसरी तरफ छात्रों के लिए सुरक्षा के साथ साथ सुविधाएं भी दी जाने की कोशिश की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव में लाना है, परिवर्तन करना है, तो उसके लिए पैसों की भी जरूरत होगी। अब सरकार अगर पुराने ढर्रे पर चलती रहेगी तो कैसे परिवर्तन आएगा, कैसे बदलाव आएगा, जबकि एक तरफ एक पहलू ये भी देखिए कि जो छात्र संगठन आज विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इसको लेकर भी हमेशा सरकार के सामने अपनी बातों को रखते आते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेंच नहीं है स्कूलों में, या बात करें खासकर हम कॉलेजों की फिलहाल बात करें क्योंकि वहाँ पर फीस बढ़ोतरी की गई है, तो वहाँ पर शिकायतें ये भी होती हैं कि प्रोफेसर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी सरकार को कई कड़े फैसले लेने होते हैं। लेकिन क्या ये फैसला जो लिया गया है सरकार की ओर से ये सही ठहराया जा सकता है, इसी पर हम कुछ बातें आपको बता देते हैं। हरियाणा में शिक्षा महंगी हुई है, उच्चतर शिक्षा की जो बात होती है वो महंगी हो गई है। सरकारी कॉलेजों ने लगभग दोगुनी फीस कर दी है, पांच तरह के चार्ज भी लगाए गए हैं, पांच तरह के चार्ज से महंगी हो गई है शिक्षा। फीस ऑनलाइन ली जाएगी, ये पारदर्शिता है। इसके अलावा कॉलेजों को उनका हिस्सा बाद में मिलेगा, अभी ये कंफर्म नहीं है कि कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा। छात्र संगठन फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं, फीस में इजाफे के आदेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो ये जो महंगी शिक्षा हुई है इसको लेकर ही अब कुल मिलाकर जो छात्र संगठन है जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, ताला भी जड़ा जा रहा है कई कॉलेजों में, और इसको लेकर भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन खड़ा करने की कोशिश है, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। अब ये प्रयास कितना सफल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल सरकार की अलग मजबूरी है और छात्र संगठन जो राजनीति करते हैं उनकी भी अपनी मजबूरी है राजनीति करने की, तो कुल मिलाकर दोनों पहलू है। लेकिन असल में जो सवाल है वो क्या है, जिस पर हमने जनता से राय ली है, प्रतिक्रिया ली है, ये वो आज के सवाल है। क्या फीस वृद्धि शिक्षा में सुधार के लिए आज के समय में जरूरी है? क्या फीस वृद्धि से छात्रों की मुश्किलें बढ़ेंगी घटेगी? क्या इससे आम जनता की जेब पर डाका पड़ेगा, फर्क पड़ेगा? सरकार के इस फैसले से आप कितने सहमत हैं, या जनता जिनसे हमने राय ली है वो कितने सहमत है? इस पर ही और इसके इर्द गिर्द ही आज का हमारा एक खास कार्यक्रम है पब्लिक सम जानती है। पब्लिक से कुछ छिपा नहीं है क्योंकि सीधा असर उन पर होता है, उनकी जेब पर होता है, और इसको लेकर पहली प्रतिक्रिया जनता की आपके सामने पेश कर देते हैं कि उनका कहना क्या है फीस बढ़ोतरी को लेकर। हरियाणा में शिक्षा फ्री होनी चाहिए और मतलब के नाम अच्छी होनी चाहिए, और जो और गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा देनी चाहिए। इन्होंने तो शिक्षा का व्यापार बना दिया, हर दिन स्कूलों में बढ़ती फीस और बढ़ती हुई महंगाई ने कमर तोड़ दी है आम गरीब आदमी की। तो गरीब आदमी तो बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता सर। बिल्कुल भी महंगी नहीं होनी चाहिए शिक्षा, और स्वास्थ्य तो बिल्कुल देश में मुफ्त होना चाहिए, मुफ्त भी नहीं तो उस लेवल तक होना चाहिए जहाँ तक हमारा देश सहन कर सके, गरीब आदमी सहन कर सके। इससे ज़्यादा तो आदमी ये लगा लो कमाई कम और खर्चा ज़्यादा, कहाँ तक फीस भरेगा, बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा। यार ये गलत है, इतनी महंगी फीस करनी, गरीब आदमी अपना गुजारा कैसे करेगा, वो सरकार की फीस भर रहा है, अपना गुजारा करेगा। सहमत तो सर हम बिल्कुल भी 1% भी नहीं है। जो सरकार ने ये फैसला लिया है बहुत ही गलत फैसला लिया गया है। ये जो इतनी महंगाई में इतनी फीस बढ़ा दी गई है सरकारी स्कूलों में या कॉलेजों में,
ये सरासर गलत है। जैसे कि सरकार ने जो फीस में लगभग 60 से 70% वृद्धि करके इसका जो आम परिवार के बच्चे हैं जैसे गरीब के किसान के ऊपर बहुत भारी भारी प्रभाव पड़ा है। जो गरीब जैसे कि अपना गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें अधिकतर बच्चे साधारण परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, जिनका गुजारा ही बहुत मुश्किल से चल पाता है। कोई खेती करता है, कोई रेडी लगाता है, कोई अदर काम करता है, तो इसे बहुत गहरा असर पड़ा है। हमारे यहाँ पर बीजेपी सरकार ने जो भी दाखिला प्रक्रिया में फीस वृद्धि की है वो बहुत ही छात्रों के साथ दयनीय व्यवहार किया, क्योंकि यहाँ पर आम छात्र हैं वो किसान परिवार से आते हैं, उनको जो 70% फीस वृद्धि की है वो बहुत ही हमारी जेब पर प्रभाव डालती है। जो किसान परिवार का बच्चा इतनी फीस देने में असमर्थ रहता है। जो भी भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार जो कॉलेज में फीस लगातार दोगुनी कर दी गई है, इसके कारण कुछ विद्यार्थी तो जो कॉलेज में दाखिला भी नहीं ले पा रहे हैं। इसके बारे में देखना होगा, बीएससी की लगभग 120 सीटें खाली हो चुकी है, आज भी 4 बच्चों ने अपनी फीसें वापस कर ली गई है। तो ये देखना होगा कि यहाँ पर जो भी जितने भी जिंद गवर्नमेंट कॉलेज में आते हैं सभी मजदूर और कमेरे वर्ग के लोग के बच्चे यहाँ पर आते हैं, जिनका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो सरकार ने फीस बढ़ाई है ये आम जनता के ऊपर और जो ग्रामीण अंचल से जो बच्चे आ रहे हैं उनके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है इसका। जो गरीब परिवार के गरीब तबके के बच्चे हैं वो इस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो अमीर परिवार के वो अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब परिवार के अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगा सरकार के जो कदम उठाया है इसको वापस लिया जाए। ऐसा निर्णय लेना मेरे हिसाब से गलत है, और गरीब बच्चों के गाँव के बच्चे या शहर के बच्चे, गरीब बच्चे जो है कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाते हैं और वो फीस इतनी देने के काबिल नहीं होते कि एकदम सरकार ने जो दुगनी फीस कर दी है। और मेरा ऐसा कहना है कि सरकार को इस फैसले पे जो है दोबारा विचार करना चाहिए, ताकि कोई भी गरीब बच्चा भी शहर का हो या गांव का हो वो कॉलेज में आराम से पढ़ाई कर सके और तरक्की कर सके। तो आम लोगों का भी यही कहना है जो कि छात्र संगठन कहते नजर आते हैं, चाहे ABVP हो चाहे SFI हो, सभी ये कह रहे हैं कि ये छात्र विरोधी एक बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने या शिक्षा विभाग ने लिया है। लेकिन इसके इतर दूसरा पहलू भी हमें देखना चाहिए। हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे एक बात के दो पहलू होते हैं, एक फैसले के भी दो पहलू होते हैं। एक तरफ हरियाणा सरकार कहती है कि बेहतर शिक्षा के साथ साथ छात्रों की सुरक्षा, छात्रों के आने वाले भविष्य की चिंता, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी कमी होती है कॉलेज में वो, और जो प्राइवेट कॉलेज है उनसे बेहतर हर चीज़ प्रदान करने के लिए ये कड़वी घूंट पीना ज़रूरी है, ये शिक्षा विभाग का तर्क हो सकता है। दूसरी तरफ जो छात्र संगठन है या लोग अभी तक आपने सुने जो कहते नजर आते हैं कि सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो मजदूर वर्ग के आते हैं बच्चे, छात्र जो कि गरीब तबके से आते हैं, वही सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेने की कोशिश करते हैं, उन पर एक बड़ा असर पड़ेगा, उनकी शिक्षा में व्यवधान हो सकता है। ये तमाम तरह के तर्क है, यानी कि दोनों तरफ से बातें तो सामने आई है, लेकिन अंत में हम आपको एक बड़ा सर्वे भी दिखाएंगे, उसके आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा की जनता क्या सोचती है इस मसले को लेकर। लेकिन उससे पहले जो भी बातें कही गई है, जो भी राय हरियाणा की जनता ने दी है इस बड़े फैसले पर, वो आप सुनिए। सरकार के इस कार्य नीति से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल और कॉलेज है उसमें वो मध्यवर्गीय और गरीब तबके के लोग वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते। और फर्क जो जनता की जो इस लोगों की जेब पर हर 70% फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब जब वहाँ पर नहीं पढ़ा पाते तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, महंगाई वैसे भी आज बहुत अपनी चरम सीमा पे हैं। और जो लोग जो कहते हैं ना शिक्षा जब वो वहाँ नहीं पढ़ा पाते सरकारी स्कूलों या कॉलेजों की, चलो सरकारी स्कूलों की कम फीस होती है लेकिन कॉलेजों में जब जो अपना डिग्री करना चाहते हैं शायद उनके सपने अधर में लटक जाएंगे। शिक्षा का असर तो भाई बहुत गहरा संबंध पड़ जाएगा, कोई आदमी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा, कौन पढ़ाएगा इतने उसमें, ऐसे ही लोगों की जेब ढीली हो रही है। तो हाँ, इस नीति से तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं। कहीं तो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, अब ये आपने देखा बजट में कॉलेजों में जो मध्य वर्ग के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जिनकी कम आय है
वो लोग उनके बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में बहुत कमज़ोर जिसको कह सकते हैं, मतलब कम कमाई वाले कह सकते हैं, या अपना गुजारा किस तरह से चलाते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फीस बढ़ाना ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये मतलब कोई गरीब आदमियों के साथ नहीं है। देखो एक बात बताता हूँ, जो ये फीस बढ़ाई है सरकार ने, इससे शिक्षा स्तर बहुत नीचा जाएगा, क्योंकि गरीब जो जनता है, जो गरीब पेरेंट्स हैं, बच्चों को प्राइवेट में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनको तो सरकारी में पढ़ाने में भी उतना ही वो पड़ गया जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं। ये जो फीस की बढ़ोतरी सरकार ने की है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जेब पे बोझ है गरीब किसान के ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा उस पर जेब पे बोझ पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ सरकार को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, ये बहुत गलत कदम उठाया है। मैं कहना जी सरकार ने फीस नहीं बढ़ानी चाहिए, क्यों बच्चे से तो अगे बड़े औखे पढ़ते पे ने, फीसा बहुत अगे ही बढ़िया जा रही हैं, उस तो ज़्यादा और ज़्यादा चल रही हैं, फिर कुछ वहनों दियाँ लगदियाँ, ये करके सानू बहुत दिक्कत आ रही है। मैं सरकार अगर यही दरखास्त लावगा कि बच्चों की फीस ना बधे तो बच्चों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। देखो जी सरकार ने फीस वधाई है जी, तो जेडे गरीब परिवार के बच्चे जी उन्होंने वास्ती तो दिक्कत ही दिक्कत आ जी, वो तो पहले ही शिक्षा नहीं लै सकते, तो फीस वधन तो बाद किवें पढ़नगे, ये तो सिर्फ वड्डे लोगों के जवाक ही पढ़ सकते जी, गरीबों वास्ते कोई वधिया गल नहीं है जी। ये दोगुनी फीस करना से तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इससे शिक्षा भी प्रभावित होगी, इसकी सीधी सीधी मार स्टूडेंट के साथ साथ उसके अभिभावकों में पड़ेगी, और इसका शिक्षा के ऊपर विपरीत असर रहेगा, काफ़ी फर्क पड़ेगा, जो कि गरीब आदमी कहाँ पार गाल सकता है। कारण यही है जी कि लोगों के पास तो वो जी कि ऐसा नहीं, बजट तो बजट के हिसाब से ही चलेगा, नहीं हमें इस महंगाई के अंदर कहाँ पार वो है जी, फर्क तो पड़ेगा ही, ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं उनको तो ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, जो कमा रहे हैं सर्विस में है उनको तो ठीक है चल रहा है। ऐसा है किसी भी चीज़ के रेट बढ़ना वो अपने आप में जो है जेब पर असर डालता है, और ये असर जो है हर खर्चे और हर कटौती में नज़र आता है। अब बच्चों की जो फीस बढ़ी है उसके साथ साथ गैस के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, तो एक निम्न दर्जे के अंदर जो है उनको अपने बच्चों को पढ़ाना ही बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आम लोग हैं जैसे गरीब हैं, बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में, पहले तो उनकी फीस ज़्यादा हो जाती है, किराया भाड़ा करके बस में आने जाना वो बहुत मुश्किल था, और अब सरकार ने फीस बढ़ा दी है तो इसलिए बहुत उनको समस्या आएगी। तो अभी तक जो भी आपने प्रतिक्रियाएं जनता की सुनी है उसमें तो यही कहा गया है कि जो फैसला शिक्षा विभाग ने लिया है वो सही नहीं है, खासकर कि उन छात्रों के लिए जो पहले से ही जूझते नजर आते हैं फीस को लेकर कि वो पढ़े कि नहीं पढ़े, अब उन पर और बोझ पड़ गया है, क्योंकि छात्र संगठन भी दावा करते हैं और ये है भी सच्चाई कि लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये फीस बढ़ोतरी हो चुकी है BSc, BCom और BA की, इन तीनों स्ट्रीम की फीसें अब बढ़ चुकी हैं पहले से, और इसका असर सीधे छात्रों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जो बाकी के पहलू हैं उन पर ब्रेक के बाद हम बात करेंगे और उस पर राय भी जानेंगे कि क्या लोग इसे सकारात्मक तौर पर भी देख रहे हैं या फिर सिर्फ नकारात्मक तौर पर, क्योंकि सीधे ये मालूम तो होता है कि फीस बढ़ चुकी है लेकिन उसके पीछे क्या मजबूरी होती है सरकार की, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे और लोगों की राय भी जानेंगे, और अंत में आपको दिखाएंगे आज का सर्वे वो नतीजा क्या कहता है। उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा ने एक फैसला लिया कि 60 से 70% तक उच्चतर शिक्षा को जो कि बच्चे छात्र पढ़ते हैं कॉलेजों में उनके लिए बढ़ाया जा सके। उनकी मजबूरी ये है, उनका कहना ये है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ढांचागत जो पहली चीज़ें चलती आ रही, जो कमियां हैं उनको उजागर जो हो चुकी हैं पहले भी, छात्र संगठन खुद करते हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया, ये कड़ा फैसला लिया गया, और उसके बाद आम जनता की प्रतिक्रिया हमने लेनी चाहिए कि क्या वो इसे पॉजिटिव तरीके से भी देख रहे हैं या सिर्फ नेगेटिव, यानी कि फीस बढ़ोतरी हुई है सीधे तौर पर उनको झटका लगा है इस तौर पर देख रहे हैं। तो आम लोगों का क्या कुछ कहना है, लगातार प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं, सुनिए और भी बातें कि लोगों का तर्क क्या है सरकार के और विभाग के इस फैसले को लेकर। मैं सरकार के इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, मैं आज तक सरकार के हर फैसले से मैं पूर्ण रूप से सहमत होता था, लेकिन अब इस जो फीस की विधि की गई है
इस फैसले से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि दुगनी फीस बढ़ा दी गई है और इससे आम जनता पर पूरा का पूरा बोझ बढ़ेगा, क्योंकि अपने हरियाणा के अंदर गरीब तबके के बहुत ही लोग रहते हैं। जो ये गवर्नमेंट सरकार जो फीस ज़्यादा बढ़ा रही है कॉलेजेस और स्कूल की, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज फैमिली बहुत मेहनत से, कितनी फैमिली तो होती है जो कमाई नहीं पाती, बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को भेज पाते हैं स्कूल में। अब आप फीस इंक्रीज कर दोगे तो दिक्कत होती है उन लोगों को भी, कैसे मैनेज करना है हर चीज़। तो मे बी फीस ज़्यादा ना बढ़ाएं, कम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये गलत करे भाई, बंदे पढ़ नहीं पाते, इस वजह से रह जाते कुछ, तो कहते हैं काम ही कर लेते हैं, पढ़ने क्या फ़ायदा, फिर पढ़ पाते नहीं इस वजह से। वो कहते फीस बढ़ा रहे, कहाँ से फीस लाएंगे घर वाले उनके भी, तो उनको देख समझ सकते कि चलते नहीं है उनकी, ये फीस बढ़ा देते अपने उसके लिए, तो वही है फिर आधे पढ़ नहीं पाते, जिनके पैसे वो पढ़ रहे नहीं है वो नहीं पढ़ पा रहे। हम भी कुछ ऐसी हमारी भी प्रॉब्लम है, तो हम इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे तो काम कर रहे हैं। सर ये तो बहुत ज़्यादा डबल है, तो कई लोग गरीब के घर में भी होते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते ये सब चीज़ें, तो उनके लिए भी थोड़ा कम फीस के लिए होना चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसीलिए कि सरकार को देखना चाहिए कि सारी फीस जो कॉलेज हैं इनकी फीस को कम करें, कुछ ज़्यादा हाई रेट हो रही तो काफ़ी बच्चों के गरीब में उनके मम्मी पापा इतने अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इन सब चीज़ें कम करनी चाहिए फीस सारी। देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो ये कर रही है ये सही नहीं कर रही है, क्योंकि क्या है कि आज के टाइम में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो, और जैसे अब फिलहाल हम खड़े हैं गुड़गांव सिटी में, जहाँ ऐसे बच्चे हैं जो यूपी या बिहार से आते हैं और सुबह शाम अपना पार्ट टाइम काम करते हैं और फिर दिन में अपना स्टडी करते हैं, तो ऐसे क्या है कि जो फीस है वो कहाँ से लेके आते हैं, वो अपने सुबह शाम के काम की सेविंग से लेके आते हैं। लेकिन अगर ऐसे में सरकार फीस बढ़ा दे तो ये उनके लिए गलत होगा, तो क्या है वो अपना स्टडी पूरा करके कहीं गवर्नमेंट जॉब या किसी प्राइवेट कंपनी में भी अच्छी जॉब करना चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार फीस बढ़ा दे तो उनके कारण वो सपना उनका थोड़ा सा चूर होता दिखाई दे रहा है। तो मैं सरकार से विनती करूँगा कि ये फीस बढ़ाने का जो है वो सिस्टम ना करें। सर मैं इसके बारे में आपको यही बताना चाहूँगा कि फीस डबल हो रहे हैं तो परेशानियाँ भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी गरीबी हिंदुस्तान में बरकरार है, गरीबी हिंदुस्तान में बरकरार है तो दिक्कत होगा, जो भी गरीब परिवार हैं तो फीस जमा नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी परेशानियाँ हो गई। ये सरकार जो है अब गरीब परिवार हैं और वो जैसे सरकार डबल पैसा कर रही है आगे के लिए, तो उसमें जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी वाले लोग हैं वो तो अपना कर लेंगे, जो गरीब लोग हैं वो कैसे कर लेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। अगर मैं भी यही चाहूँगा कि आगे आने वाली सरकार या ये जो वर्तमान सरकार है, अच्छा जो यहाँ फीस है उसमें बढ़ोतरी की वजह से ना करे, बढ़ोतरी ना करे, उसमें अगर गिरावट करे तो अच्छा बात है। तो पांच तरह के चार्ज भी बढ़ाए गए हैं, इसमें विश्वविद्यालय योग्यता फीस है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फीस है, इसमें ऑडियो वीडियो एड के नाम पर भी चार्ज वसूला जाएगा, इसमें करियर काउंसलिंग की बात की गई है उसके नाम पर भी चार्ज वसूला जाएगा, और साथ ही यूनिवर्सिटी पूर्व छात्र के नाम पर भी एक चार्ज वसूला जाएगा। तो पांच तरह के ये चार्ज आपने सुन लिए, इसी के नाम पर फीस बढ़ोतरी हुई है और थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दूसरे तरीके से भी की गई है। अब इसके पीछे जो अलग अलग तर्क हैं वो भी दिए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता की आपने प्रतिक्रिया सुनी है, तमाम जो लोग हैं वो सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उनके कानों में ये बात पहुंची कि फीस बढ़ोतरी 60-70% तक हो गई है, तो उसके बाद उन्होंने सीधे कहा कि गरीब तबके के लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन और जो लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत करनी चाहिए कि क्या लोग ऐसे भी थे जो इसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ये भी आप जान लीजिए। सरकारी स्कूलों की फीस डबल कर दी। देखिए पहले जो बेचारे गरीब आदमी थे वो सरकारी पर निर्भर थे कि भाई हमारा बच्चा सरकारी में पढ़ लेगा, क्योंकि प्राइवेट में तो पढ़ाने की उनकी कैपेसिटी थी नहीं। अब गरीब का बच्चा ना पढ़े इसलिए आज फीस डबल कर दी, वो बेचारा कहाँ से उन बच्चों की फीस भरेगा, क्योंकि घर के खर्चे इतने हैं, मजदूरी करके बेचारा अपना घर चला ले वो बहुत बड़ी बात है। पहले सबसे पहली बात तो ये गरीब का बच्चा पढ़ता थोड़ा बहुत, तो मेरा ख्याल सरकार ने बिल्कुल बैन लगा दिया कि भाई ये बच्चा पढ़ ना पाए। मैं इस बात से बिल्कुल खिलाफ हूँ और जनता से आग्रह करूँगा कि भाई सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा के इस बात को ख़त्म कराए, क्योंकि फीस बढ़ाना डबल करना बिल्कुल गलत, एकदम गलत है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बहुत महंगाई हो रही है, प्याज टमाटर
और स्कूल की फीस अब दुगुनी कर दी तो जनता कहाँ तक खर्चे उठाए। ये तो सरासर मतलब गलत है, इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए। 10% बढ़ा लो, 15 बढ़ा लो, फिर उसमें तो चल जाए दुगुनी एकदम करनी तो एकदम टूट जाता है, जनता एकदम टूट जाएगी, गलत है। काफ़ी फर्क पड़ेगा इससे, और क्या नाम है, आने वाला टाइम में देखा जाए तो वैसे भी शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है, परिजन को उसका वैसे ही अलग पड़ रहा है प्रभाव, महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसको लेकर सरकार को कदम उठाना चाहिए और शिक्षा पे लगाम खींचनी चाहिए। निर्भर पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में फीस महंगी जाती है और इन्होंने और कर दिया सरकारी। देखो जी, सरकारी स्कूलों का जो फीस का निर्णय लिया है सरकार ने, ये बहुत गलत निर्णय है। सरकारी स्कूल और कॉलेज में वही आदमी पढ़ता है जो इकोनॉमिकल क्लास से नीचे आता है। ऐसा नहीं है कि कोई हायर क्लास वाला डॉक्टर का लड़का कोई सरकारी स्कूल में जा रहा हो, इंजीनियर का लड़का सरकारी स्कूल में जा रहा हो। तो ये थी कुल मिलाकर जनता की प्रतिक्रिया कि हरियाणा की जनता हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद क्या सोचती है। लेकिन आज के सर्वे का रिजल्ट क्या कहता है, नतीजा क्या कहता है, आपके सामने ये नतीजा है। आप देख लीजिए, ये बिल्कुल एक तरफा कह सकते हैं सरकार के इस फैसले से कितना सहमत है एक आमजन, और इसका रिजल्ट आपके सामने, 71% सहमत नहीं है, कहते हैं सरकार का फैसला गलत है, ठीक नहीं है, किसी के भी पक्ष में नहीं है। 29%, बहुत कम लोग कहते कि हाँ हम सहमत हैं सरकार का फैसला सही है। और ये जो नतीजा आया है ये एक तरफा हम कह सकते हैं, यानी कि सरकार को अपने फैसले पर विचार करना होगा, शिक्षा विभाग को भी, उच्चतर शिक्षा विभाग को भी ये एक बार फिर से पुनर्विचार करना होगा कि क्या जो आपने फैसला लिया है, या तो आप समझाने में विफल रहे हैं छात्र संगठनों को, जनता को, कि आप किस मंशा से फीस बढ़ा रहे हैं, या तो आपको समझाना चाहिए या फिर इस फैसले को फिर से सोचना चाहिए कि कैसे वापस लेना चाहिए, या जो 60-70% फीस बढ़ाई गई है उसको कम करना चाहिए, क्या कम फीस बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, एकदम से इतनी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सीधा असर तो छात्रों पर पड़ेगा ही, ये तो तय है। और यही छात्र संगठन कहते नजर आते हैं, और आने वाले समय में चेतावनी भी दी गई है कि सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, सड़कों पर भी छात्र उतर सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या पुनर्विचार करेगी या नहीं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लगातार आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ।